एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज सबके चैनल मिड पॉइंट क्लासेस पर। मैं हूं नीतीश कर्क और आज आपके लिए लेकर आया बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज। गेस व्हाट, सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, सो बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पास आने वाले हैं, तो मैथ्स की प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। दैट्स व्हाई हम इस सीरीज को लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग वीडियोस में कवर करने वाले हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज और हम फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपका है रियल नंबर्स। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके बोर्ड के पर्पज के बेस पर, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आपकी जो मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। आप सभी ने देख भी लिया होगा, पर अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हम आपको क्लियर कराएंगे अच्छी तरह से। तो रियल नंबर को जानने से पहले आप जानते हैं कि रियल नंबर एग्जैक्टली होता क्या, आपने समझने की कभी कोशिश की है? ये चैप्टर बहुत अच्छा है आपका, उसमें बहुत सारे फैक्ट है, तो हमें चैप्टर को पूरा समझना होगा, ठीक है? अच्छा, पहले आपसे एक बात पूछता हूं मैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि अगर जिस नंबर को खेल चलता रहता है तो रियल नंबर ही उसका एक पार्ट होता है, मतलब नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है रियल नंबर? ओके, जैसे कि हम अगर बात करें 6th to 10th तक की मैथ्स की बुक की या फिर फर्स्ट सेकंड चैप्टर की, तो उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? नंबर सिस्टम आ जाता है, इंटीजर्स आ जाता है, नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, होल नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। 6th to 10th तक यही सब कुछ चलता रहता है, ठीक है? मतलब कि सारा नंबर का खेल चलता रहता है। आपको सिखाते हैं कि नंबर किस तरह से काम करते हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड होते हैं नंबर्स। तो वही हम पहले समझेंगे, क्योंकि हमें पूरा कंसेप्ट समझना जरूरी है, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। ओके, सो कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हम पूरा नंबर का खेल समझेंगे, देन हमारा रियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नंबर का खेल मतलब कि नंबरों को थोड़ी सी जानकारी, बहुत छोटी सी जानकारी, जो कि आपके पूरे चैप्टर को ऐसे समझा देगी, ठीक है? तो देखते हैं पहले। तो जब भी इस प्रकृति, जब ये पृथ्वी बनी, प्रकृति बनी, तो उस पर एक मानव भी आया। तो मानव ने नंबरों का आविष्कार किया, नंबरों को गिनना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो उसने गिना, एक में जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ इस तरह से उसने नंबर बनाए। पर वो 9 पर आकर अटक गया, क्योंकि उसके पास उसको नंबर नहीं मिले। इसी वजह से हमने उनको नाम दिया नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, जो कि हमें किससे मिली है? प्रकृति से मिली है, ठीक है? उससे कुछ दिनों बाद 0 का आविष्कार हुआ और संख्याएं पूर्ण हो गई, पूरी हो गई, जिससे हमने क्या कहा उसको? होल नंबर का, पूर्ण संख्याएं, ठीक है? जो आपकी आपकी स्टार्ट होती है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4। तो जो भी संख्या 0 से स्टार्ट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। जो 1 से स्टार्ट होगी उसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर्स। क्लियर हो गया? उसके बाद थोड़ी और ऑब्जर्वेशन की मानव ने, और देखा कि कुछ जो गिनती होती है वो 2 से भाग हो जाती है, कुछ गिनती 2 से भाग नहीं होती है, मतलब 2 से डिविजिबल हो जाती है और 2 से डिविजिबल नहीं होती है। तो उनको अलग अलग वे में बांट दिया, लाइक इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको पता नहीं होगा कि जो 2 से डिविजिबल होती है वो इवन नंबर्स होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद थोड़ी और ऑब्जर्वेशन की मानव ने, इंटीजर्स बना लिए, नेगेटिव को अलग कर दिया, पॉजिटिव को अलग कर दिया। नेगेटिव वालों का जी आप 0 के लेफ्ट साइड में रहेंगे, पॉजिटिव वालों का देखिए जी आप 0 के राइट साइड में रहेंगे, लाइक दिस -3, -2, -1, 1, 2, 3, ठीक है? तो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स बन गए। उसके बाद थोड़ी और ऑब्जर्वेशन की मानव ने, देखा कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो कि किसी से नहीं कटते हैं, ना 2 से कटेंगे ना किसी से कटेंगे, सिर्फ अपने ही टेबल से जाएंगे, अपने ही टेबल से भाग किया जाएगा उनको। उनको अलग नाम दे दिया, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, आप गेस कर सकते हैं क्या? 1 नहीं होगा, ठीक है? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा फिर? 3 नहीं, आप यहां पर भी गलत है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है? क्योंकि 2 भी अपने टेबल से कटता है, देन 3, और 2 एक ही इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर में आता है, ओनली 2, और कोई नंबर नहीं है जो आपका प्राइम नंबर में एज अ इवन नंबर आता हो, ठीक है? तो 2, 3,
5, 7, 9 हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 9 तो कटता है 3 से कटता है, ठीक है। तो 9 तो आपका प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 भी नहीं होगा। तो ऐसे ही कुछ नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल से कटते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हमें जैसे पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, पर कंपोजिट नहीं पता क्या होते हैं। तो कंपोजिट भी आसान है, जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर है, ठीक है। चलिए आप गेस कीजिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा। मैंने बोला कि जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, तो किसके फैक्टर होंगे? एक के फैक्टर हो सकते हैं? नहीं। दो के हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तीन के हो सकते हैं? नहीं हो सकते। चार के हो सकते हैं क्या? हाँ जी, चार के हो सकते हैं, अपने भी टेबल से जाता है और दो के टेबल से भी जाता है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, वो होगा चार, यानी कि फोर। तो फोर से स्टार्ट करते हैं, 4, 6, 8, 9, 10 एंड 12, जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वही आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स की तरफ। तो उसके बाद आता है आपके रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। जब आपके छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, जैसे लाइक मैंने बताया इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, तो ये आपको समझ में आ ही जाते हैं प्रोबेबली। बट जहां बात रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स की होती है, वहां पर आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बट आप कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको पूरा कंसेप्ट ही क्लियर करने वाला हूं। तो रैशनल नंबर्स क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो होंगे वो सारे रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों को समझ में आया पी अपॉन क्यू का मतलब, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया जी पी अपॉन क्यू के क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आया। तो आसान सी बात बताते हैं, जो भी संख्या बटे में होगी, भाग में होगी, वो सारे रैशनल नंबर्स होंगे। कैसे? जैसे कि 1/3, 2/3, 3/4, 5/4, जो भी सारे आपके भाग में नंबर होते हैं सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। बट ठीक है, यहाँ पर भी कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है वो भी देख लेते हैं। बटे में जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, वही आपके रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो कौन से ऐसे नंबर जिनके बीच में, जिनके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है, जैसे अगर आ गया समझ लीजिए 1/0, तो ये इरैशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। समझ में आया आपको अच्छे से? जिस तो बटे में जीरो नहीं आना चाहिए, पहली कंडीशन। और दो कंडीशन उसके बाद और देखते हैं, क्या टर्मिनेटिंग, पूरा पूरा कट जाना, पूरा पूरा भाग हो जाना, या रिमाइंडर ना निकलना, शेषफल ना निकलना ही आपका रैशनल नंबर्स है। कैसे? जैसे कि मैंने लिखा 10/2, कट सकता है, सीधी सी बात है, 5 आ जाएगा हमारा आंसर। तो आपका पूरी ये आपका हो गया रेशन नंबर, जो पूरा पूरा कट जाता है। 9/3 लिख दिया, पूरा पूरा कट गया, तो आपका क्या है? रेशन नंबर्स है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा मतलब कटेगा नहीं, अगर नहीं कटता है, कटती है कोई संख्या, पर वो रिपीट होती चली जाती है पॉइंट के बाद, ठीक है। जैसे कि 10/3 लिख दिया मैंने, तो 3.3333 जहां तक भी आप इसका एंड करना चाहो वहां पर कर सकते हो, तो रिपीट होता चला जाएगा नंबर, वो क्या है आपके सारे रैशनल नंबर्स है। तो तीन ट्रिक समझी, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए, और अगर नहीं कटता है तो पॉइंट के बाद रिपीट हो जाना चाहिए, सारे रैशनल नंबर्स है। बहुत ही समझ में आ गया होगा आपको ये बात, ठीक है। अब बढ़ते इरैशनल नंबर्स की तरफ, इसका अपोजिट सीधे सीधा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो कटेगा और ना ही रिपीट होगा, सारे इरैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। जो ना कटता हो और ना रिपीट होता हो सारे इरैशनल नंबर्स हैं। यहाँ पर हमने तीनों कंसेप्ट पढ़ लिए थे, अब उसका ही हमने उल्टा कर दिया, सारे इरैशनल नंबर्स हैं। और आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होते हैं, सारे रैशनल्स और इरैशनल नंबर्स को बनाकर क्या बनते हैं, हमारे रियल नंबर्स बनते हैं। अब रैशनल इरैशनल जितने भी सारे ऊपर नंबर पढ़कर आए हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, सारे रैशनल और इरैशनल होते हैं। कैसे? नहीं समझ में आया? मान लीजिए मैंने 2/1 लिख दिया, ठीक है, उसके अगर मैं बटे में एक लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बट हमने क्या पढ़ा है, बटे वाली संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर्स होती है। तो हमने क्या पढ़ लिया, पूरा कंसेप्ट समझ लिया रियल नंबर्स का, वो भी बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये पूरा नंबरों का खेल था। अब बढ़ेंगे हमारे मेन चैप्टर्स की तरफ, चलिए जल्दी से आप शुरू करते हैं। तो अब हमारे मेन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, रियल नंबर्स। तो अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो मतलब समझते हैं आपका रियल नंबर्स। तो उसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा।
इसको भी तो समझना जरूरी है, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको इसको भी समझना जरूरी है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझते हैं। तो पहले एल्गोरिथम से स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एल्गोरिथम का मीनिंग समझते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? वेल डिफाइंड प्रोसेस। वेल डिफाइंड प्रोसेस मतलब पहले से ही डिफाइंड किया हुआ है एक फॉर्मूला, एक प्रोसेस जो कि दूसरों के लिए मदद करता है, ठीक है। वेल डिफाइंड प्रोसेस क्या होता है आपका? एल्गोरिथम होता है। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग देना। किसमें दिया है? यूक्लिड जी ने। तो यूक्लिड जी का डिवीजन करने का एक प्रोसेस ही क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आया समझ में? पूरा चीज समझ में आ गया होगा। एक वर्ड और आ जाता है आपके में, लेमा। तो लेमा क्या होता है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट यूज टू प्रूव द अदर स्टेटमेंट, ठीक है ना। मतलब कि लेमा क्या होता है कि एक स्टेटमेंट, एक प्रूव स्टेटमेंट होता है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आपको लेमा भी समझ में आ गया। अब उसके बाद होता है यूक्लिड डिवीजन का मेथड, किस तरह से होता है वही देख लेते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन का जो मेथड है वो है आपका SCF वाला, अब देखिए यूक्लिड जी ने दो तरह से SCF निकलता है। तो आपको लॉन्ग डिवीजन वाला निकालना है, लॉन्ग डिवीजन वाले जो SCF निकलते हैं ना उनका यूज करना है, वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन मेथड होता है। बहुत ज्यादा सिंपल है। जल्दी से अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चंस को और अपने चैप्टर को आसान बनाते हैं। तो पूरे कंसेप्ट समझने के बाद आप अपना मेन सब्जेक्ट शुरू करेंगे, मेन चैप्टर शुरू करेंगे या कहें कि मेन एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज पहले है 1.1, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है यूज यूक्लिड डिवीजन मेथड टू फाइंड द SCF ऑफ दीज नंबर्स। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको SCF फाइंड करना है, क्या लगाकर? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन मेथड का यूज करके। मैंने आपको पूरा पूरा बता दिया कि SCF में लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है वही आपका यूक्लिड डिवीजन मेथड है, उसी की भी फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135 एंड 225, ठीक है। तो क्या करेंगे? स्मॉल नंबर को, यानी कि छोटे नंबर को हम पहले लिखेंगे और बड़े नंबर को हम अंदर लिखेंगे। किस तरह से? आइए देखते हैं। जैसे कि हमने लिखा 135 बाहर क्योंकि ये छोटा नंबर था, और अंदर लिखा 225। जैसे कि मैंने आपको बताया थे जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर होता है, जो अंदर डिवाइड हो रहा होता है वो डिविडेंड होता है। पूरा क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे देखते हैं। 135 1 135 135 2 270 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बारी में चलाएंगे। एक ही बारी में चला दिया, 135 माइनस करा, 90 आ गया, ठीक है 90 आ गया। अब क्या कहता है? अगर तुमने इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया तो मैं जो कि रिमाइंडर हूं वो डिवाइजर को ही डिवाइड कर दूंगा। अब जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा, रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा। गॉट इट? ये आपकी होती है लॉन्ग डिविजन मेथड। 135 यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, वही रूल। अब 91 90 92 180 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको भी एक बार में चलाएंगे। 90 क्या आया माइनस करके? 45 आ गया। वही फिर से बात हो गई कि इसने इसको डिवाइड नहीं किया तो मैं तुझे डिवाइड कर दूंगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा। अब क्या होगा? रिमाइंडर डिवाइजर बन गया और डिवाइजर डिविडेंड बन गया, ठीक है। अब 45 2 90 होते हैं, ठीक है, 45 2 90 होते हैं, खत्म। रिमाइंडर जीरो, जहां पर भी रिमाइंडर जीरो आ जाए वो क्या है आपका? आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? 2? नहीं नहीं नहीं, 2 आंसर नहीं होगा। आंसर होगा आपका 45, जो उसको डिवाइड कर रहा होगा। तो इसका आंसर है 45, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया छोटा नंबर आगे होगा और बड़ा नंबर डिविडेंड होगा। तो 196 डिवाइड करना है 38220, ठीक है, इस बड़े नंबर को डिवाइड करना है। अब आप सोच रहे हैं कि पूरा पूरा एक बार में डिवाइड करना पड़ेगा? नहीं, हम सिंपल डिविजन मेथड लगाते हैं, वैसे ही करना है। कैसे? 196 और 2 टाइम चलेगा या नहीं चलेगा देख लेते हैं। 2 6 12 होते हैं, 2 9 18, 12 19 हो गए यहाँ पर, और 2 1 2 3 392 नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे? वन टाइम चलाएंगे इसको पूरा पूरा, ठीक है। हमने वन टाइम चलाया इसको, तो क्या आएगा हमारा? 196
माइनस करेंगे, क्या माइनस है, 12 में से 6 गए, 6 बचे, ठीक है, 17 में से 9 गए, 8 बचे, 86, और 2 में से 1 गया, 1 बचा, ठीक है। यहां से कॉपी किया हमने क्या, 2 कॉपी कर लिया। 196 को देखते हैं एक बार और, तो 196 को हम किससे माइनस, किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आ जाए, तो 196 का एक बार 9 टाइम ही देख लेते हैं, 9 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 9 6 54, 5 9 9 81 और 86 6 आ गया। उसके बाद क्या है, 9 1 9 और 8 17, ठीक है, तो 1764 आपका क्या आ गया, इसका आपको मल्टीप्लाई करके आ गया, ठीक है। तो हमने 9 टाइम्स किया था तो मतलब छोटा आ रहा है, 10 टाइम्स करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 9 टाइम किया, 9 टाइम क्या आया था हमारा 64, ठीक है। तो 12 में से 4 गए 8, ठीक है, 550 में 6 गए 9, और यहां पर 0 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां से कॉपी करेंगे 0, अब इसको एक बार 6 टाइम और देख लेते हैं, 6 टाइम और 5 टाइम, तो एक बार 5 टाइम देख लेते हैं कितना आता है, तो 5 6 30 3, 5 9 45 48, और 4 5 5 और तो 980 पूरा पूरा आ गया, ठीक है। हमारे किससे कटा, ये आपका 5 से कट गया, पूरा 5 से डिवाइड हो गया, 980 खत्म। तो आपका आंसर क्या होगा, इसने तो किसी को डिवाइड करने का मौका ही नहीं दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 195 आपका आंसर है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका 195 इसका आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 45। आपको समझ में आया कि जो भी डिवाइड यहाँ पर डिवाइड करके उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा वही उसका आंसर होगा, मतलब इसका आंसर पूरा क्या होगा, 196, ना कि सॉरी 195 नहीं होगा, इसका आंसर ही होगा 196, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया जो डिवाइड करके खत्म कर देगा उसको, जो नंबर खत्म कर देगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या आंसर है आपका, 196। आगे समझ में आपको, एक क्वेश्चन और आ गया, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। तो जल्दी से अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको इसको समझना है। जहां तक मैंने देखा है 90-95% बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ आपको इसको समझना है और अच्छे से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैथ बहुत ज्यादा इजी होती है, सब कुछ मानने का खेल होता है, अगर मान लो तो इजी है, नहीं माना तो हार्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5, वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि किसको डिविजन कहते हैं, किसको डिवाइजर कहते हैं, किसको क्वेश्चन कहते हैं और किसको रिमाइंडर कहते हैं। एक बार उस ट्रिक को थोड़ा सा दोबारा समझ लेते हैं क्योंकि ये इस क्वेश्चन के काम का है, ठीक है। देखते हैं जरा आपको, अगर मैं दो को मतलब 7 को 2 से भाग करूं तो आपको क्या आता है, 3 आपका क्वेश्चन आएगा और 1 आपका रिमाइंडर आएगा। तो हमने एक बात समझी कि जो भी रिमाइंडर होगा अपने डिवाइजर से छोटा ही होगा, ओके। मतलब जिससे अगर मान लो इसको 6 से वो कर रहे हैं तो वो हमेशा इससे छोटा ही आएगा, रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। ये बात समझ में आ गई। अब ये बोल रहा है कि आपका जो फॉर्म, आपका जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया, इंटीजर्स बताए थे मैंने आपको, पॉजिटिव नंबर जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह कुछ नंबर्स होते हैं। पर यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑड नंबर होने चाहिए, क्योंकि होती है विषम संख्या, जैसे कि 1, 3, 5, 7, ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो हम अगर सही से लिखे कोई भी एक नंबर, कोई भी एक नंबर, ठीक है, अपने डिवाइजर से, डिवाइजर के क्वेश्चन में होगा और प्लस होगा रिमाइंडर, ये तो हमने समझा। नंबर क्या था, नंबर था 7, ओके। 7 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 लाने के लिए हमने क्या किया, डिवाइजर क्या था हमारा 2 से किसकी मल्टीप्लाई करी हमने, क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करी, रिमाइंडर क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया, 2 3 6 और 7 ये आ गया, ठीक है। तो हमने समझा कि कोई भी नंबर जो है वो डिवाइजर की क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर प्लस करके ही आता है। ये आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और पूरा कंसेप्ट समझते हैं। अब जैसे मैंने लिखा कि n इज इक्वल टू d इनटू q और प्लस r। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखो, n की जगह में a मान लेता हूँ, ठीक है, d की जगह में b मान लेता हूँ और q ऐसी का ऐसी और प्लस r, यही तो मैंने किया,
अब क्या बन गया आपकी ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गए। इसी के बेस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पर नंबर क्या दे रखा है कुछ सिक्स, मैंने क्या बताया रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा जिससे वो डिवाइड हो रहा होगा, तो सिक्स के रिमाइंडर क्या आ जाएंगे हमारे, सिक्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसके रिमाइंडर होंगे हमारे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच और बस पांच, ठीक है, मतलब अपने नंबर से कम होगा। तो हमेशा जब भी हम सिक्स के फैक्टर कर रहे हैं तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव कोई भी डिवाइजर से मतलब नंबर जो होंगे वो छोटे होंगे सारे, तो उसके रिमाइंडर क्या कह सकते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, क्योंकि ये सिक्स से डिवाइड है। तो कोई भी नंबर अगर छह से भाग हो रहा होगा, मतलब छह से भाग हो रहा होगा तो रिमाइंडर कुछ ऐसे ही आएंगे, समझ गए होंगे आपको पूरी बात। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया, जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे कि मैं बताता हूं आपको, आपको ये दे रखा है ठीक है, आपको ये नहीं दे रखा, ये कहां गया आपका, आपको ये कह रहा है कि ये निकालिए कि कोई भी नंबर अगर आप उसका दो से तीन को मल्टीप्लाई करेंगे और एक को प्लस करेंगे तो आपका नंबर ये आएगा। तो आप नंबर कैसे फाइंड करेंगे, हमने देख लिया है कि हम डिवाइजर की कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को प्लस करेंगे तब आपका एक नंबर आएगा। एक और तरीका देख लेते हैं, अब देखते हैं कोई भी नंबर यहाँ पर आपके देखते रहते हैं ये भी नहीं दे रखा और ना ये रखा है, आप कैसे जानेंगे। तो हमने देखा कि दो दिया छह, यहाँ पर हमने छह लिख दिया, यहाँ पर होता है माइनस, तो मतलब कोई भी नंबर जो माइनस हुआ होगा सिक्स को, सिक्स माइनस हुआ है उस नंबर से जो कि एक आया है, तो छह में एक जोड़ दीजिए, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं सेवन लिख सकते हैं, क्लियर हो गया, पूरा पूरा सॉल्व हो गया आपका ये, ठीक है ना। तो हम इसी वजह से लिख सकते हैं सारे नंबर्स को। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, मैं बी की जगह क्या लिख दूंगा नंबर क्यू एसी का एसी और प्लस रिमाइंडर, तो जो पहला नंबर था वो जीरो था, ऐसे ही सिक्स क्यू प्लस वन, ऐसे ही सिक्स क्यू प्लस टू, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फोर, सिक्स क्यू प्लस फाइव, यही तो आपके सारे नंबर है। आपको नंबर तो निकालने, आपको क्यू सब इंटीजर है तो हमने क्या निकाले ये सबके रिमाइंडर निकाल लिए। अब वो ऊपर ही बोल रहा है कि ऑड इंटीजर निकालना है, ऑड मतलब जितने भी सारे ऑड होंगे, ठीक है, तो ऑड वाले कौन से होते हैं हमारे एक तीन पांच सात होते हैं, तो मतलब ये वाला और ये वाला, इनको ही तो लिखना था, तो हमने आपको ये निकाल के बता दिया कि ये सारे ऑड वाले होते हैं। पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको काम करना है। अब देखिए ये मेरे समझाने का एक तरीका था, लिखना कैसे आपको एग्जांपल गिवन है, आप एग्जांपल में से देख के लिख सकते हैं, अदरवाइज जैसे आपके स्कूल टीचर्स कराते हैं वैसे लिख सकते हैं। हमारा काम है आपको पूरा कंसेप्ट समझाना। देखिए मैथ्स को ना, मैथ बहुत इजी चीज होती है, मैंने शुरू में ही बताया था, अगर आप अपने माइंड में सोचते हैं मैथ इजी है तो आपके लिए बिल्कुल हलवा बन जाने वाले मैथ्स, मैथ्स में कुछ नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाला हमारा सेकंड क्वेश्चन था, आई थिंक आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से अपने आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको सॉल्व करना है। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 16 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स In which they can march। तो आपको समझ में आया, इसमें एक बढ़िया बात बोली है क्या, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको क्या करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लगाना, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में अपने लगाए थे, आपको आंसर मिल जाएगा। छोटे को आपको डिवाइजर लेना है, बड़े को डिविडेंड लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, फोर्थ मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखेंगे, जिसका आंसर सही आएगा वही आपको आपको लगेगा कि आपने कुछ मेहनत की है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था। वहां पर क्या किया था आपका, एक स्टेटमेंट लगाई थी मैंने, वो बताया था आपकी, एक पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, क्या बताई थी, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी मैंने, बताया था अगर आपका जो नंबर होगा उसके जो रिमाइंडर होगी वो डिवाइजर से हमेशा
कम आएंगे। नंबर क्या है यहाँ पर इस बार? थ्री। तो इसके रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? अगर कोई भी नंबर है उसके डिवाइजर क्या करो, थ्री क्यू यहाँ पर लिखेंगे हम, उसके रिमाइंडर कौन कौन से हो पाएंगे? जीरो, वन और टू, यही तो रिमाइंडर होंगे उसके। जी हाँ बिल्कुल यही रिमाइंडर होंगे। तो किस तरह से फॉर्म में लिख पाएंगे हम उसको? तो क्या कैसे लिखेंगे? थ्री क्यू प्लस जीरो, थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू, इन्हीं फॉर्म में तो लिखा जाएगा उन नंबरों को। जी बिल्कुल ठीक है। अब एक और चीज इसमें क्या कह रहा है, स्क्वायर भी करना है उन नंबर का स्क्वायर भी करना है, वो भी कर देते हैं। एक बात और समझ लीजिए, किसी भी नंबर में जीरो जुड़ता है तो थ्री वो ऐसी का ऐसी रह जाता है, कॉमन सी बात है, आपको पता ही होगा। अब इनका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका भी स्क्वायर और थ्री क्यू प्लस वन इसका भी स्क्वायर और थ्री क्यू प्लस टू इसका भी स्क्वायर, और अब इनको खोल लेते हैं। ठीक है, खोलना क्या है आप देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। तो पहले हमारा है थ्री क्यू स्क्वायर, तो थ्री क्यू स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा? नाइन क्यू स्क्वायर, नाइन की स्क्वायर थ्री, थ्री नाइन, क्यू का स्क्वायर क्यू हो गया, मतलब क्यू स्क्वायर हो गया, क्यू क्या। ठीक है, अब इसको कॉमन लेकर देखते हैं। मैंने मान लीजिए यहाँ पर थ्री कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर क्या बचेगा? थ्री क्यू स्क्वायर, यही बचा। ठीक है, यही बचने वाला है। अब मान लिया, हम मैंने बताया था ये होता है क्वेश्चन के साथ, एक नंबर क्वेश्चन के साथ, ये तो है। जैसे हमने यहाँ पर रखा थ्री एम प्लस वन, कोई भी नंबर रख दू यहाँ पर क्वेश्चन पे, अगर मैं वन टू थ्री फोर कुछ भी नंबर रख दूंगा एक नंबर आ जाएगा। नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है ये। और उन्होंने बताया कि ये होना चाहिए फॉर सम इंटीजर एम, तो हमने इसको इंटीजर मानते हुए इसको क्या रख लिया? थ्री एम रख लिया। समझ आ गया? ठीक है ना, बहुत सिंपल था क्वेश्चन, करना ही क्या था इसमें, कुछ भी नहीं करना था, हमने इंटीजर के लिए 3m रख लिया और वो यही फॉर्म तो लाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा था 9q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर तो आपने पढ़ा ही होगा, किस तरह से बोलते हैं a प्लस b का स्क्वायर। तो पहले आप सॉरी 3q का स्क्वायर था, ये माई मिस्टेक, थ्री क्यू का स्क्वायर था, तो किस तरह से खोलेंगे? नाइन क्यू स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ठीक है, टू ए बी, तो टू इंटू थ्री और वन, तो टू सिक्स सिक्स और वन, तो सिक्स क्यू बन जाएगा ये। ठीक है, टू ए बी खोला फिर बी का स्क्वायर मतलब वन, सीधी सी बात हो गई। यहाँ पर हमारा ये आ गया तो खोलकर, अब हमें किस फॉर्म में लाना है इसको? थ्री एम प्लस वन की फॉर्म में लाना है, सेम चीज वही करेंगे, थ्री कॉमन निकाल लेंगे, थ्री कॉमन निकाल लिया मैंने, क्या बचा यहाँ पर? थ्री क्यू स्क्वायर बचा, थ्री क्यू स्क्वायर बचा। ठीक है, आगे क्या बचा? टू क्यू बचा, और उसके आगे क्या बचा? वन बचा। ये वाला जो क्वेश्चन है क्या है? वो एक क्यू के साथ है, मतलब एक इंटीजर है, इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा? एम रख दूंगा। आगे थ्री एम प्लस वन इसी फॉर्म में तो लाना था, बट हमने इसके क्या रिमाइंडर निकाले थे? जीरो वन टू, तो हम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते इस क्वेश्चन को, हमें टू को भी सॉल्व करके देखना होगा कि टू भी जो है या तो वो थ्री एम की फॉर्म में आना चाहिए या फिर थ्री एम प्लस वन की फॉर्म में आना चाहिए, सीधी सी बात है। तो देखते हैं उसको भी निकाल के एक बार। हमारा क्या था दूसरा? थ्री क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर, थ्री क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर, सेम चीज करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। किस तरह से खोलेंगे? नाइन क्यू का स्क्वायर पहले हो जाएगा, फिर 2ab, तो 2 इंटू थ्री इंटू टू, टू थ्री सिक्स, सिक्स टू ट्वेल्व, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 12q। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, अब इसमें से भी कॉमन लेते हैं, किस तरह से कॉमन लेते हैं? 3 मैंने कॉमन ले लिया, उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा? 3q का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है? 12q है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 4q। उसके बाद मैं यहाँ पर वन लिख देता हूँ और बाहर भी एक वन लिख देता हूँ। ठीक है, अब कहेंगे सर आपने ये क्या कर दिया, ये तो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर चला गया, समझ से बाहर हो गया, कुछ नहीं किया मैंने, जादू दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है। देखो, अगर मैं थ्री की इसमें मल्टीप्लाई करूँ, थ्री वन सा थ्री, थ्री में एक जोड़ दूंगा तो फोर आ जाएगा, यही तो मुझे लाना था। देखो एक बार मल्टीप्लाई कर देते, थ्री 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 सा नाइन आ गया, थ्री फोर सा ट्वेल्व आ गया, और थ्री वन सा थ्री और एक फोर आ गई। पूरी इक्वेशन को ऐसे कैसे लिखा मैंने, कुछ गड़बड़ नहीं की मैंने, तो जादू किया है और कुछ नहीं किया, आपको समझ में आ ही गया होगा। वही चीज सेम चीज करेंगे,
इसको पूरा क्वेश्चन के साथ रख देंगे तो 3m प्लस 1 ये भी इस फॉर्म में आ गया हमारा। तो हम इसको प्रूव कर पाए हैं कि ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। अब आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और करना क्या है आप करें इस क्वेश्चन को, मैं नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा आप करेंगे थोड़ा मैं करूंगा, पूरी हम ऐसे ही सब्जेक्ट अपना चैप्टर पूरा कर जाएंगे ठीक है। तो फाइव क्वेश्चन में बताता हूँ क्या क्या है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा मैंने बताया था आपको पहले ही, एक प्रूवन स्टेटमेंट जो कि दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है, जहां पर हमने स्क्वायर किया था वहां पर क्यूब कर देना है, पूरा फॉर्मूला खोलना है क्यूब का, आपका आंसर आ जाएगा कॉमन निकाल के। जैसे हमने यहाँ पर कॉमन निकाले आप कॉमन निकाल दीजिएगा, आप थोड़ा सा करेंगे थोड़ा सा हम करेंगे तभी तो ये चैप्टर पूरा होगा। हमारा काम आपको सिखाना, आप अच्छे से सीखेंगे हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो 1.1 है वो आपका पूरा हो गया, इतनी आसानी से आपने पूरी 1.1 एक्सरसाइज सीख ली। अब जल्दी से आपने पूरा हार्ड जो आपका मैटर था इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में जो भी आपका हार्ड चीजें थी आपने वो सब कुछ सीख लिया है, अगर मैं आपको सही से बताऊं तो। आगे वाले जो आपके एक्सरसाइज हैं वो और भी ज्यादा इजी हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं और जल्दी जल्दी अपना चैप्टर खत्म करते हैं। तो आप सभी ने फर्स्ट एक्सरसाइज को पूरा कर लिया है, हम जल्दी से बढ़ रहे हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। तो उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत आसानी से अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को पूरा कर दिया, या मैं कहूँ कि आपने अपनी सारी हार्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लिया है वो भी चुटकियों में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, आपने क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो जल्दी से अपने सेकंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हिंदी में बोले तो इसी नंबर को इस तरह से दर्शाना है कि उसके जो फैक्टर होंगे सारे प्राइम नंबर में आने चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है ना। अब फैक्टर क्या होते हैं पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। प्राइम नंबर तो आपने अच्छे से समझे थे, जिनका कोई गुणनखंड नहीं होता या उनके फैक्टर ही नहीं होते सारे प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो आपने समझ लिए थे जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं देखिए, कोई भी नंबर के अगर छोटे टुकड़े किया जाए और उनको मल्टीप्लाई करके वही वापस नंबर आ जाए वो फैक्टर होते हैं। जैसे कि 16 ले लीजिए, इस किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके 16 के फैक्टर होगा। 16 के फैक्टर कीजिए, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, फिर 4 से काटिए, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटिए, 2 4 4 ठीक है, सॉरी 2 2 4, ये आपके क्या आ जाएंगे 16 के फैक्टर्स आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करके भी क्या आएगा 16 ही आएगा, सिंपल सी बात है, ये आपके क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक नंबर जो गिवन है उसको ऐसे दर्शाना है कि उसके फैक्टर जो आए प्राइम फैक्टर्स में आए ठीक है, प्राइम नंबर्स में आए। हमने पहले समझ लिया था इस क्वेश्चन को, अब इसको सॉल्व करने की बारी है, सॉल्व करके देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 140 इसके फैक्टर करने हैं ना, कैसे करेंगे, 2 से काट लेते हैं, 2 7 14 जीरो का जीरो, फिर 2 से करते हैं 35, फिर किससे कटेगा 5 से कट जाएगा, 7 और 7 1 7 कंप्लीट हो गए ठीक है ना। इससे क्या आ गए फैक्टर आ गए। आप देखो 1 4 0 2 2 5 और 7 ठीक है ना। हमने क्या देखा था कि इसको ऐसे फैक्टर में करना है कि उसके सारे प्राइम नंबर आने चाहिए, वही तो आ रहे हैं। मैंने क्या बताया था, छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, सारे ही प्राइम नंबर आ रहे हैं, कोई भी एक ऐसा नहीं है जो प्राइम नंबर ना हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं था, बहुत हलवा हो गया आपके मैथ्स को। और आप और ज्यादा आगे में वीडियो में बढ़ेंगे तो बिल्कुल हलवा लगने लगेगी आपको मैथ्स ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, हमारा जो है आपका 3825। तो 3825 को देखते हैं, 3825। अब सीधी सी बात है, अगर आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, और आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं डिविजिबिलिटी की भी अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हमारे चैनल पर आपने विजिट किया है, आप ऐसे निराश होकर नहीं जाएंगे ओके। तो डिविजिबिलिटी आपको बता दूं कि अगर लास्ट में 5 आता है तो 2 से डिवाइड होने वाला है नहीं ठीक है। 3 से ट्राई कर लेते हैं, 3 से ट्राई करते हैं, चलो 3 1 3
थ्री टू जा सिक्स, टू इधर हो गया 21, थ्री सेवन जा 21 और थ्री फाइव जा 50, कट गया। उसके बाद दोबारा से देखते हैं, एक बार थ्री से और देख लेते हैं कटता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। थ्री फोर जा 12, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा 50, कट गया, तो कट गया कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, अब थ्री से नहीं जाएगा क्योंकि थ्री वन जा थ्री, थ्री फोर जा 12 और 5 ऐसे कैसे रहेगा, नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाने वाला क्योंकि इवन नंबर ही नहीं लास्ट में। अब क्या होगा आपका 5 से जाएगा, ठीक है। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, चला गया। दोबारा 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, अब 17 आ गया। 17 किससे जाएगा, अपने आप से ही जाएगा जी, प्राइम नंबर होता है 17, तो 70, ठीक है। फैक्टर क्या निकले, 3 3 5 5 70, अगर 3 8 2 2 5 के आपको फैक्टर आपने किए, सारे भी प्राइम नंबर होते हैं, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 17 भी प्राइम नंबर है। तो इसी तरह से आप इसको लिख देंगे जैसे आपने 140 को लिखा था, सारे प्राइम नंबर हो गए। समझ में आ गया पूरा पूरा क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व होगा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस यही था, और जितने भी 2-3-4 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। आप कहेंगे सर आपने तो पूरे क्वेश्चन करा दिए, जी मैं आपको पूरी बुक भी करा सकता हूँ, पर आप कैसे सीखेंगे, सीखना आपको है मुझे नहीं, मुझे पहले से ही ऑलरेडी आता है, ओके। सीखना आपको है, यहाँ पर आप ही सीखने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर जरूर जरूर मिलेगा, ओके। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आपका जो इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो आपका ये फॉर्मूला होता है कि एलसीएम की अगर एचसीएफ में मल्टीप्लाई की जाए तो आपके दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट का दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। उससे पहले हम आपको एलसीएम बताते हैं, एलसीएम क्या होता है, बचपन से आप पढ़ते हुए आते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे छोटी जो कॉमन, सबसे छोटा पार्ट होगा उसमें कॉमन निकालेंगे, वही आपकी मल्टीप्लीकेशन होगी, ओके, गॉट इट। एलसीएम निकाल कर देखते हैं, एलसीएम और एचसीएफ, उससे पूरा क्वेश्चन समझ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 26 into 91, तो मैंने 26 निकाल लिया, 2 से जाएगा 13 और 13 से जाएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है, ठीक है। ऐसे ही 91 निकालेंगे, 91 किससे जाएगा, 7 से और 13 से। क्या क्या फैक्टर आए 26 और 91 के, 26 क्या है हमारे 2 into 13, 91 क्या है हमारे 7 into 13। हमने आपको एचसीएफ निकालने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट जो होगा वो ही आपके कॉमन निकल जाएंगे। तो एचसीएफ आपका सीधी सी बात है क्या आ गया, 13 आ गया। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम किस तरह से निकलेगा, एलसीएम आपका अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो एलसीएम आपका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो लोवेस्ट क्या है आपका, पहले 13 है सबसे कम, या फिर आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि 30 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकालना पड़ेगा, पहले लोवेस्ट लिखे ना फिर कॉमन लिख लिया, तो मैंने पहले 13 ही लिख लिया, 13 फिर 2 बचा और 7 बचा क्योंकि 13 से दोनों में कॉमन था, मैंने 13 एक ही बार लिया, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है। एलसीएम आपको निकालना आता है, कोई बड़ी बात नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके आता है 182, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया 13 7 91 91 2 182। अब देखिए ये बोल रहा है कि वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर होंगे प्रोडक्ट अगर टू नंबर्स के, नंबर क्या कहते हमारे 26 और 91, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए नंबर आता है या नहीं आता है, देख लेते हैं। 6 1 10, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, 91 की 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 10 6 6 9 54, उसके बाद 2 1 2 2 9 18, क्या आ जाएगा 6 6 8 5 3 और 2 2 3 6 6, ओके। आपका जो मल्टीप्लाई करके 2 3 6 6 आया। अब ये कह रहा है कि अगर आपका ये और इन दोनों की मल्टीप्लाई तो जो आएगा वो बराबर हुआ, तो आपको क्वेश्चन ठीक क्या चेक कर लेते हैं भाई, 182 मल्टीप्लाई करनी है किससे, 13 से, 3 2 6, 3 8 24, 2 3 1 2 और ये हो गया 5, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 2 आ गया, 8 आ गया और
बना दिया। सिक्स सिक्स टू और आपका ही जाएगा 8 5 13 एंड 2, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, 8 5 3 एंड 2, 2 3 6 6, 2 3 6 6, एलसीएम एनसीएम बराबर हो गए दोनों नंबर के, रूट हो गया हमारा क्वेश्चन की, हमारा क्वेश्चन ठीक है, बस यही तो करना था इसमें, इतना इजी खेल है क्वेश्चन करने का और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। ओके तो आगे के जो दोनों क्वेश्चन है, इन सेकंड क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट है वो आगे आपको खुद ही करने होंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको सीखना जरूरी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको वो भी सॉल्व करके देंगे। ऐसा कोई भी नहीं है कि आप मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर आए और निराश होकर जाएं, ठीक है। तो जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आपका जो एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन है वो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं, कौन से मेथड अपना के, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपना के, जो कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, बस जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। कैसे, यहाँ पर तीन डिजिट दे रखे, तीनों का अलग अलग निकाल लेते हैं पहले। कैसे, पहले 12 का निकालेंगे, 12 की कैसे निकालेंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, उसके बाद 15 के, 3 5 15, 5 1 5, उसके बाद 21 के, ठीक है, तो 3 7 21 और 7 1 7। ओके कैसे कैसे निकले, तो अगर हम 12 की बात करें तो 2 into 2 into 3, 15 की बात करें तो हम 3 into 5 और 21 की बात करें तो 3 into 7, यही तो आपके निकले। अब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने, तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे हम, एलसीएम में देखो पहले क्या कॉमन आ रहा है, सब में 3 कॉमन है, तो पहले 3 लिख लेते हैं, तो उसके बाद जो 1 2 ऊपर भी 1 2 है, फिर 5 है और फिर 1 7, ठीक है। पहले हमने 2 भी कॉमन था, इसमें ये भी, ये और ये कॉमन था, 3 हमने ऐसी कैसे लिख लिया, ऊपर के 2 थे ऐसी कैसी, 5 और 7 ऐसी कैसी, मल्टीप्लाई का उसको, 3 2 6, 6 2 12, 12 5 16 और 67 4 20, 420, मैं आपको नहीं कह रहा हूं 420 ये नंबर आया है। ओके तो 420 जो आया है ये नंबर आया है एलसीएम निकल के, एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होगा, 3 में जो कॉमन है, एचसीएफ सीधी सी बात है 3 ही कॉमन था, तो एचसीएफ आ जाएगा आपका 3, बस आपको वेरीफाई करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आपके हाथों में हो कि आपने ठीक किया है या नहीं किया है, दैट्स इट। आप ट्राई कर सकते हैं, तो आप आगे वाले क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी समाप्त होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ उसमें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 वो है 9 और एलसीएम 306 657, तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। आपको यहाँ पर एचसीएफ गिवन है, एलसीएम आपको फाइंड करना है, ठीक है, हमें दोनों नंबर भी गिवन है, ठीक है, तो इस तरह से रखते हैं। तो एलसीएम हमें नहीं दे रखा, एचसीएफ है हमारे पास 9 और नंबर क्या क्या है 306 और 657, हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है, आपको पहले से ही क्लियर है। तो इसको मैं x मान लेता हूं एलसीएम में, फिर एलसीएम को ऐसी का ऐसी रखता हूं, ऐसी कैसी रखा मैंने, इन दोनों नंबर को भी ऐसी का ऐसी रखा मैंने, और मैंने फिर क्या किया एचसीएफ को इनके डिवाइड में ले आया, ठीक है ना, कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है, प्लस में होगी तो माइनस में चली जाएगी, माइनस में होगी तो प्लस में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में होगी तो डिवाइड में और डिवाइड में होगी तो मल्टीप्लाई में, ये आपको पहले से क्लियर होते हैं, अगर नहीं भी थे कोई बात नहीं, आपको अब क्लियर हो गए हैं। तो ये जो मल्टीप्लाई में था मैं उसको ले गया डिवाइड में, ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है, देख लेते हैं इससे क्या कट जाएगा। तो 9 से मैं काट के देखता हूँ, कोई सी भी एक डिजिट काट देता हूँ, 9 से 306 कट सकता है, काट के देख लेते हैं। तो 9 3 जा होते हैं 27, 3 बचे 36, तो 9 से पूरा पूरा ये कट गया, 9 3 जा 27 और
फिर 9 4 34 तो आपका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 6 5 7 7 into 34। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना भी तो एक मैटर है ना, उसकी भी एक वीडियो अच्छे से बनेगी, टेंशन मत कीजिए, बहुत अच्छे से सारी वीडियोस आएंगी। ओके तो 657 की 34 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार जल्दी से, तो 657 और 34 तो 47 से 28 2 आ गया, 45 से 30 सॉरी 45 से 20 22 2 4 से 24 26 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 2 3 5 से 15 और 17 1 3 6 से 18 और 19 8 3 12 और 2 2 2 3 3 8, इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो इसका आंसर क्या है 2 2 3 3 8 आपका मल्टीप्लाई करके जो आएगा, ठीक है ये इसका आंसर है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को हमें फाइंड करना था। आप आंसर देख सकते हैं, आपकी बुक में आंसर गिवन होता है, आपने बुक में आंसर देख लीजिए, आंसर अगर आपका बेस्ट आता है तो आपने को क्वेश्चन समझ में आ गया है। ओके आपके जो आगे के क्वेश्चन है पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर आपका 22338 ही आ रहा है। ओके मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है, हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख लिया है। आगे आपके जो क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो अगर आपको मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूं तो इसका मतलब है कि आपको चेक करना है कि जो 6 की पावर है n, जो कि n आपको बताएगा कि कोई एक नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5। तो आपको वो रखकर देखना है कि कहीं उसके लास्ट में 0 आता है नहीं, एंड में 0 पर खत्म होता है या नहीं, बस आपको इतना चेक करना है, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है तो चेक करके देख लेते हैं एक बार। आपको रखना है 6 की पावर n, तो पहले आप देख रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर 0 पे खत्म होता है, तो कोई भी नंबर अगर 0 पे खत्म होता है तो किसका फैक्टर होगा, सीधी सी बात है वो 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है अब 5 जो होगा उससे एक फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर आपने पढ़ा है कि 5 एक प्राइम नंबर भी है, तो 5 एक प्राइम फैक्टर हो जाएगा उसका। तो हमने देख लिया कि जो है 5 में आता है, अब देख लेते हैं 6 के लिए, 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 और 3, 5 तो होता ही नहीं है। अगर 5 इसका फैक्टर होता तो 0 आता भी, पर इसके फैक्टर क्या होता है 2 होता है और 3 होता है, तो 5 तो आने वाले नहीं। कोई बात नहीं एक बार और देख लेते हैं कैसे, 6 की पावर n की जगह 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, आप रख के देख लीजिए कहां पर 0 आएगा, 6 6 6 6 6 36 6 6 36, 6 की पावर 3 में करेंगे 216, तो कहीं भी आपका 0 नहीं आएगा, इसका आंसर नो हो जाएगा सीधा सीधा। आपका ये क्वेश्चन बस यही है, आपको चेक करना था कि उसकी पावर में आपका कोई भी नंबर 0 पर खत्म होता है या नहीं, दैट इज आपका इसका आंसर नो आ जाएगा क्योंकि ये खत्म ऐसे नहीं होगा। ओके तो यही आपका फोर्थ क्वेश्चन था, जल्दी से बढ़ते अपने फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था, जल्दी से बढ़ते अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी जिस साइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो है आपका एक्सप्लेन बाय 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है एंड आर कंपोजिट नंबर्स। तो आपको इनको प्रूव करना है कि ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। देखिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही पढ़ाया था क्या कंपोजिट नंबर होते हैं, क्या प्राइम नंबर होते हैं, क्या इंटीजर्स होते हैं, तो देखिए हमारा पढ़ाया हुआ आपको काम आ रहा है, हमने कोई गलत चीजें नहीं पढ़ाई, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, नंबर का खेल जो आपको मैंने समझाया था वो सारा इस चैप्टर में काम आ रहा है जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था। ओके तो आप समझते हैं इस चीज को, आपने अगर इस नंबर में ऑब्जर्वेशन की होगी तो देखेंगे आप ज्यादा से ज्यादा प्राइम नंबर आ रहे हैं, ठीक है इसमें तो सारे प्राइम नंबर है, 7, 11, 13 प्राइम नंबर होते हैं, इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली प्राइम नंबर ज्यादा है। ठीक है तो हम ये देखते हैं कि इनको कंपोजिट नंबर कैसे बनाना है। तो पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं 7 × 11 × 13 और 13 + ठीक है कंपोजिट बनाना है, प्राइम नंबर को कंपोजिट कैसे बनाएंगे ये प्रूव करना है। तो इसमें 13 कॉमन आ रहा है, मैं 13 कॉमन ले लेता हूं, क्या क्या बचा 7 बचा 11 बचा और एक प्लस का 1 बचा, सही है ठीक है। 13 ऐसे कैसे रखा 7 11 77 + 78
78 आ गया। तो अब आपने देखा एक चीज कि 30 तो कॉमन आ रहा है, पर अंदर देखिए 78 के फैक्टर क्या करेंगे, किसी किसी चले जाएगा 2 से भी 3 से भी, और मतलब इनके जो है अच्छे खासे फैक्टर हो जाएंगे, 2, 3, 6 आपको लिस्ट कट जाएगा। तो सीधी सी बात है, 2, 3, 6 से ये कट सकता है, तो ये नंबर भी कट सकता है, ठीक है। इसी वजह से क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गई है, इट इज अ कंपोजिट नंबर, आपको ये वाला जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, नेक्स्ट वाले क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे रामायण या फिर पूरा ही मैथ इसमें एक ही क्वेश्चन में दे दिया हो, ठीक है, पर जस्ट आई एम जोकिंग, ओके। सो देखते हैं, तो इसमें 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन, तो 7 × 6 बचा, यहां पर 1 बचेगा, यहां पर 4, यहां पर 3, 2, 1, और यहां पर प्लस का 1, ठीक है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया। तो अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन की मल्टीप्लाई करके जो भी बहुत बड़ी सी मल्टीप्लाई आएगी, जो भी यहाँ पर आएगा बहुत बड़ा सा मल्टीप्लाई करके आएगा, वो इवन ही आएगा, इवन आएगा तो 2 × 2 = 3, 6, 4, 5 से कटेगा, ठीक है। अगर वो इसे कट सकता है तो इसे आपका वो फैक्टर भी हो सकते हैं, मतलब आपको इनके फैक्टर भी हो पाएंगे, फैक्टर हो सकते हैं, तो ये भी एक आपका कंपोजिट नंबर बन जाता है, ठीक है। सिंपल एज इट इज, जितना सिंपल है उतना ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, कोई मैंने हड़बड़ी नहीं की है। अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ओके। तो ये दो क्वेश्चन था आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है, एक क्वेश्चन और बचा, जल्दी से खत्म करके एक्सरसाइज खत्म करते हैं। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन वो है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर आपको मैं इसको हिंदी में समझाना चाहूँ, हिंदी वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर मैं हिंदी में समझाना चाहूँ तो बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ एक पूरा गोल राउंड, एक गोल घेरा है, पहले वो बना लेते हैं, एक गोल घेरा बना लेते हैं, ये आपकी गोल घेरा है, ठीक है। दो पर्सन है सोनिया एंड रवि, सोनिया एंड रवि यहाँ पर लिख लेते हैं, सोनिया एंड रवि, कोई भी नेम ले लीजिए ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोनिया एंड रवि। तो सोनिया पहला राउंड एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है, और रवि एक राउंड कंप्लीट करने में आपका 12 मिनट लेता है। मान लीजिए उनका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, सोनिया कितना टाइम ले लिया 18, रवि कितना ले रहा है 12, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि कितने चक्करों के बाद वो एक ही टाइम पर स्टार्टिंग पॉइंट पे एक ही जगह मिल पाएंगे, कौन सी ऐसी जगह होगी, फिर एक ही जगह स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिल पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो अगर जो सोनिया पूरा करते, सोनिया एक बार एक चक्कर 18 मिनट में, रवि एक चक्कर 12 मिनट में, दूसरा चक्कर कब होगा 36 मिनट में, इसका कब होगा 24 मिनट में, फिर दो चक्कर में नहीं मिलेगी, थर्ड में देखते हैं 54, इसका कब होगा 36, ठीक है। इसमें भी अब देखिए एक मिनट आपका तो इसमें आंसर आ गया, ठीक है ना, क्योंकि वो जब सोनिया अपने दो चक्कर पूरे करेगी और रवि अपने 3 चक्कर पूरे कर लेगा तो वो यहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात थी। अब आपको ये था मेरा समझाने का तरीका, आपको करना क्या था, आपको सिर्फ एलसीएम निकालना था, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, 18 का एलसीएम निकाल लीजिए, जो इसमें तो कॉमन निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, ऐसी 2 × 2 = 18, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3 एलसीएम निकालना था आपको, दोनों का एलसीएम जो निकलेगा वो आपका 36 निकलेगा, आप निकाल के देख लीजिए, मैंने आपको निकालना बताया ही है, तो 36 ही इसका आंसर है, बस यहीं पर ये खत्म होती है। तो कांग्रेचुलेशंस, आपने अपनी सेकेंड एक्सरसाइज भी पूरी कर ली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए, ओके। तो आपने यहाँ पर अपनी सेकेंड एक्सरसाइज पूरी कर दी है, और आगे की जो दो एक्सरसाइज है हम आपको सेकेंड पार्ट में बताएंगे, सेकेंड वीडियो में आपकी वो जो दोनों एक्सरसाइज है वो लेकर आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको सेकेंड पार्ट चाहिए तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सेकेंड पार्ट की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आप लेट हो जाएंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए, ओके। तो अभी के अभी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।